हेलो फ्रेंड्स, सीमा क्रिएशंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको डिज़ाइनर बटन बना के बताऊंगी कि कपड़े से आप डिज़ाइनर बटन कैसे बना सकते हैं और घर में ही आप किस तरह से मैचिंग के सिंपल बटन किस तरह से आप घर में ही बना सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने कुछ बटन बनाए हुए हैं। ये देखिए, ये मैचिंग का बटन है। आप मैचिंग का बनाना चाहें तो मैचिंग का बना सकते हैं, सिंपल बनाना चाहें तो सिंपल बना सकते हैं। ये देखिए, डबल शेड में बनाना चाहें तो आप डबल शेड में बनाना चाहें तो आप वो भी बना सकते हैं। देखिए, उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। उसके लिए हमें कपड़ा चाहिए। हमारे पास पुराने बटन, मेरे पास पुराने बटन थे तो मैंने वो ले लिए हैं। कोई भी आपके घर में बटन रखे हुए हों आप वो ले सकते हैं। मैंने चौक ले लिया है, एक रील ले लिए मैंने, और आप ये बटन कॉइन से भी बना सकते हैं। फ्रेंड्स, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि ये बटन किस तरह से बनाए जाते हैं। फ्रेंड्स, ये मैचिंग का बटन है। सबसे पहले मैं आपको मैचिंग का बटन ही बताऊंगी कैसे बनाते हैं इसे। तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए फ्रेंड्स, देखिए। सबसे पहले तो हमने ये मैचिंग के कपड़े ले लिए हैं। एक मैंने ब्लैक कलर का ले लिया है और एक मैंने येलो कलर का कपड़ा ले लिया है। ये मैंने फ्रेंड्स 2x2 इंच का कपड़ा लिया है। देखिए, ये 2x2 का 2 इसकी लेंथ है और 2 ही इसकी वेर्थ है। तो मैंने 2x2 का ये कपड़े ले लिए हैं दोनों मैचिंग के। तो जो इसका सीधा पार्ट है, ये सीधा कपड़ा है, इसका ये भी सीधा है। सीधे कपड़े को सीधे कपड़े के ऊपर इस तरह से रख के मैं इसको सिलाई लगाऊंगी। तो देखिए कैसे मैं सिलाई लगा रही हूँ। पहले इन दोनों को बराबर रख के देखिए फ्रेंड्स, मैंने पहले दो कपड़ों को लगा लिया है। ऐसे सिलाई दो कपड़ों की लगा ली है। अब मैं दो कपड़ों को इस तरह से मैंने इनको अटैच कर दिया है और इसकी मैं नाखून से ऐसे क्रीज बना दूंगी। तो फ्रेंड्स, ये एक पार्ट तैयार हो गया है। एक ऐसा ही सेम हमें एक पार्ट और तैयार करना है। देखिए फ्रेंड्स, हमने दोनों कपड़ों को इस तरह से सिल लिया है और हम नाखून की हेल्प से मैंने इसकी क्रीज बना दी है। ऐसे ही मैंने एक पार्ट और तैयार कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इनको जो इसका ब्लैक हिस्सा है उसके साथ तो हम येलो अटैच करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ब्लैक के नीचे येलो रखा है और येलो के नीचे ब्लैक को रखा है। अब हम इन दोनों को सीधे से सीधा मिला के इस तरह से यहाँ ऐसे सिलाई करेंगे इसके ऊपर। तो देखिए हम कैसे सिलाई करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको सिलाई करके बताती हूँ। हम जब इनको सिलेंगे तो ये हमारे जॉइंट्स आपस में मिलने चाहिए। ये देखिए, इन दोनों का जॉइंट हमारे इस जॉइंट से मिलना चाहिए। तो इस तरह से कपड़े को रख के मैं इनको सिल के दिखाती हूँ कि आपको जॉइंट मिला के कैसे सिलना है। तो देखिए, मैंने इसके नीचे से इस तरह से आपको ये देखिए, इस जॉइंट का ज़रूर ध्यान रखना है कि ये जॉइंट आपस में ज़रूर मिलने चाहिए इस तरह से। ये देखिए, मैंने इसको अटैच कर दिया है। अब इस इधर देखिए आप, फिर मैं हाथ नाखून के से इसकी क्रीज बना दूंगी ऐसे। ये देखिए, ये चारों पार्ट हमारे इसमें अटैच हो गए हैं। अब मैं आपको बटन बनाना बताती हूँ कि बटन के ऊपर रख के किस तरह से बनाते हैं। तो देखिए, ये मैंने बटन ले लिया है, इसको इस कपड़े को मैंने इसके ऊपर रख दिया है। ये देखिए इस तरह से, और आपको कपड़े को इस तरह से रखना है कि ये चारों कपड़े बराबर इस बटन के ऊपर ऐसे बराबर होने चाहिए। तो देखिए इस तरह से ये डिज़ाइन बन जाएगा। ये देखिए, मैंने ऐसे लगा दिया है इसको। तो जब ये आप इसके ऊपर कपड़ा सेट कर लो, तो देखिए इस तरह से आपको ये कपड़ा सेट करने के बाद पीछे से ऐसे टाइट पकड़ के इस तरह से, और आपको बटन को इस तरह से रोल कर देना है इस तरह से। ये मैंने बटन को इस तरह से रोल कर दिया है फ्रेंड्स। ये देखिए, मेरा इस तरह से ये तैयार हो गया है। अब मैं इसके ऊपर धागे की हेल्प से इसके ऊपर सबसे पहले तो आपको धागा लपेटना है। देखिए, सबसे पहले मैंने इस तरह से 6-7 बार इसके ऊपर मैंने ऐसे धागा लपेट लिया है। धागा लपेटने के बाद आपको ऐसे इस तरह से नॉट बनानी है और इसके ऊपर चढ़ा के ऐसे खींच देना है। देखिए, फिर से देखिए फ्रेंड्स, मैंने नॉट किस तरह से बनाई। पहले मैंने फिंगर को ऐसे किया और फिर ऐसे करके इसके ऊपर बटन के ऊपर चढ़ा के इस तरह से खींच दिया। ये देखिए, इस तरह से बटन बनने के बाद मुझे ये पीछे का जो कपड़ा है इसको मैं काट दूंगी। तो देखिए, मैंने ये इस तरह से इसको हम
जहाँ हमने ये धागा लपेटा है इससे थोड़ी सी दूरी पर ही इसको काटना है कपड़े पर, नहीं तो हमारा ये जो हमने धागा लपेटा है वो उधड़ जाएगा और हमारा बटन सारा खुल जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने ये हमारा बटन इस तरह से तैयार हो गया है। इसी तरह से आप और भी बटन बना सकते हैं, जैसे मैंने ये बटन बनाया है, ये देखिए, ये वेलवेट का कपड़ा था ग्रीन कलर का, तो मैंने ये बटन बनाया है। देखिए ये देखिए, प्लेन कपड़े से मैंने बटन बनाया है। ये देखिए ये किस तरह से बनाया है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने डबल शेड का कपड़ा लिया, दो कपड़े लेकर मैंने ये बटन बनाया है। जिस तरह से मैंने ये चार कपड़े लेकर बनाया था, ऐसे ये दो कपड़े लेकर मैंने बनाया है। आप अपने कपड़ों की मैचिंग का बटन बना सकते हैं, सलवार और कमीज का दोनों का मैचिंग का बटन बना सकते हैं, आप भी इस तरह से बना सकते हैं। तो ये बटन फ्रेंड्स मैंने देखिए ये बटन से बनाए हैं, आप कॉइन से भी बना सकते हैं। ये जो मैंने बटन बनाया है मैचिंग का, ये इस कॉइन से ही बनाया है। आप पुराने कॉइन से भी आप ये बटन बना सकते हैं। आज आप सीक्वेंस के भी बटन बना सकते हैं। देखिए ये सीक्वेंस का कपड़ा है, इससे भी आप बटन बना सकते हैं। अगर इस सीक्वेंस के कपड़े को मैं अगर कॉइन के ऊपर ऐसे इस तरह से लपेट दूं और इसके पीछे भी ऐसे धागा बांध दूं, तो देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा बटन है। तो आप इस तरह से भी बटन बना सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स।